बिहार में इन दिनों बवाल है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और नीतीश सरकार के खिलाफ भी छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती के नए निर्देश नीतीश सरकार ने जारी किया है, इसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। छात्र नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, इसीलिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती के लिए अब राज्य में मौका दिया जाएगा, इसी वजह से यह बदलाव किया गया है। यह पूरा विवाद को समझने से पहले आपको बता दें कि पटना वाले फैसल खान यानी उर्फ खान सर का एक बयान भी छात्रों में आक्रोश भर दिया है। दरअसल खान सर ने ग्लोबल स्टडीज के एक पोस्ट में लिखा कि बिहार के शिक्षक भर्ती में मिले पूरे भारत में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब पूरे भारत के शिक्षक अभ्यर्थी अब बिहार में शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आइए साथ जुड़कर अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करें और देश के भविष्य को बनाएं। इस मैसेज में छात्रों के फीस भी कम बताई गई है। खान सर का कहना है कि वो अपने छात्रों को सबसे कम फीस में शिक्षक भर्ती की पढ़ाई भी करवाएंगे और इसी को लेकर बिहार में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों का गुस्सा इस बात पर भी है कि खान सर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बिहार के लिए यह फैसला एक आपदा से कम नहीं है, लेकिन खान सर अवसर ढूंढ रहे हैं और कम पैसों में छात्रों को बुला रहे हैं। बिहार के जाने माने एक शिक्षक गुरु रहमान ने भी बिहार सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा निकाली गई शिक्षक बहाली में बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक तो नहीं बनेंगे लेकिन पागल जरूर हो जाएंगे। जब से शिक्षक बहाली विज्ञापन निकाली गई है उसके बाद से अब तक 8 बार से ज्यादा नोटिफिकेशन निकाले जा चुके हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती पर विवाद का छिड़ना कोई नई बात नहीं है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद और शिक्षकों की भर्ती में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के जरिए 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किए जाने को अलग अलग शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों ने बड़ी राहत करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक अच्छा अवसर है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी 25 जून से शुरू की गई थी जो कि इसका लास्ट डेट है 12 जुलाई। हालांकि नियोजित शिक्षकों और अन्य शिक्षक भर्तियों के एक साथ आवेदन करने को लेकर भी कई तरह की बातें हैं। कई लोग शिक्षक संघ और इसके खिलाफ भी हैं और इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल विवाद पर शिक्षा विभाग ने सफाई दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि साल 2012 के नियमावली में भी बिहार में स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं थी। उस समय भी लगभग 1,68,000 वैकेंसी थी जिसमें राज्य के बाहर के मात्र 3400 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार और नौकरी का सवाल भी एक बड़ा मुद्दा बना था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। साथ ही बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू करने का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठाया गया था। इन मुद्दों पर उन्हें भारी जन समर्थन भी मिला था। हालांकि अब नीतीश सरकार के उस वादे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि कहां गए इतने लाख नौकरी का वादा। बिहार में शिक्षा भर्ती विवाद का मामला क्या है ये भी समझ लीजिए कि एक तरफ बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर विरोध हो रहा है, तो वहीं इस बीच बिहार सरकार ने एक बार फिर शिक्षक भर्ती नियमावली को बदल दिया है। अब दूसरे राज्य के कैंडिडेट को भी बिहार में शिक्षक बनने का मौका दिया गया है। सरकार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी है। सरकार ने बिहार में शिक्षक बनने के लिए अब बिहार का स्थायी निवासी होने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि इसी साल 2 मई को राज्य कैबिनेट ने राज्य में प्राथमिक मध्य और उच्च कक्षाओं के लिए 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भी निकाला जिसपे मंजूरी भी मिल गई। राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए 85,477, मध्य वर्ग के लिए 1,775 और उच्च वर्ग के लिए 90,804 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। बिहार में बेरोजगारी का स्तर को भी समझना जरूरी है क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर अपनी रोजगार के लिए जाते हैं। इसी साल के अप्रैल में आर्थिक निगरानी से जुड़ी संस्था CMII ने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर मार्च में
तीन महीने के उच्चतम स्तर पर यानी 7.8% पर पहुंच गए। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की अगर बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा 26.8% बेरोजगारी दर है। राजस्थान में 26.4% के साथ दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 23.1% है और सिक्किम में 20.4% है। बिहार में 17.6% है। बावजूद इसके भी बिहार से ज्यादातर लोग पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं। झारखंड में 17.5% बेरोजगारी दर है और सबसे कम बेरोजगारी दर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 0.8% है। दोनों राज्यों में 0.8% है। ऐसी बेरोजगारी के डर से भी बिहार के अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर दूसरे राज्यों के लिए भी यह अनुमति मिल जाएगी तो बिहार के युवा कहां जाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।